हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम माय यूट्यूब चैनल JSB ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और सब कैसे हो? दुआ करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपको मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ कि हमें जब हम प्रेग्नेंट होते हैं प्रेगनेंसी में कि हमें किस मंथ से घी खाना चाहिए, तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैंने किस मंथ से घी खाना शुरू करा था। तो आपको मैं बताती हूँ, तो मैंने वैसे शुरू से ही घी खाती थी। मैं शुरू से पहले मंथ से रोटी चुपड़ के खाती थी, और लेकिन ज़्यादा नहीं खाती थी, शुरू से ही रोटी चुपड़ के खा लेती थी। दाल वाल में घी डाल लेती थी। और मैंने घी खाना शुरू किया था 7 महीने से, जब मुझे 7वां महीना लगा था। तो जब से मैंने घी खाना शुरू किया था, ज़्यादा 1 चम्मच सुबह में डालती थी, दूध डाल के पीती थी, और 1 चम्मच शाम को जब दूध पीती थी तो उसमें डाल के पीती थी दूध में घी। तो इससे हमारी जब डिलीवरी होती है तो उसमें आसानी रहती है, डिलीवरी होने में आसानी रहती है। तो मैंने 7वें महीने में तो मैंने 1-1 चम्मच ही पिया था। फिर जैसे कि 8वां महीना लगा, तब से मैंने थोड़ा ज़्यादा घी शुरू कर दिया लेना। 2 चम्मच सुबह लेती थी और 2 चम्मच शाम को दूध में डाल के पीती थी। 1 गिलास दूध और 2-2 चम्मच घी डाल के पीती थी मैं। घी मुझे पिया भी नहीं जाता था, इतना घी नहीं पिया जाता, चिकना चिकना सा लगता है, लेकिन आँख बंद करके पीना पड़ता था। और इससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी रहती है। लेकिन मैंने घी तो मैंने खाया था, लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। किसी वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि उस कारण मेरी ऑपरेशन करना पड़ा। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मेरी क्या प्रॉब्लम हुई थी जो मेरा ऑपरेशन करना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड।